टैक्सी चाहिए क्या? आओ आओ गाड़ी में बैठ लो। हाँ जी, क्या हाल चाल? अरे अपनी वाली खड़ी तो है, आओ बैठो फटाफट। इसमें आ जाओ भाई साहब, फुल एसी है भाईजान, एसी के साथ ठंडा पानी भी है, इसमें आओ। तुम इस वाली में आओ यार, ठंडे पानी के साथ साथ बीएफ भी मिलेंगी फुल एचडी क्वालिटी की। आओ यार इस वाली में बैठेंगे कार्तिक भाई, बात बीएफ की नहीं है, बस ये मुझे आदमी अच्छा लग रहा। अरे सुनो, इन सबसे 200 रुपए कम दे दियो, आ जाओ। अरे भाईजान इसमें बैठो, 500 रुपए कम लूंगा। अरे तुम इस वाली में आओ यार, पैसे ही ना मांगूंगा, जो तुम दोगे वही रख लूंगा। देखो कार्तिक भाई, मैं कह रहा ना ये आदमी बढ़िया, आओ इनकी में बैठेंगे। हाँ भाई, उस केस का क्या हुआ जो तूने 2 टूरिस्टों को गाड़ी में बिठा के गाड़ी खंती में घुस दी थी? केस चल रहा, नहीं पड़ गया? अरे वो खंती में थोड़ी घुसी थी गाड़ी मैंने, वो तेरी बहू की टांगों के बीच में घुस गई, लोग उसे खंती समझने लगे। बस लड़का ये चला रही, कस्टमर को भड़का रही है, चूतिया बना रही। बैठो तुम बाड़ो, बैठो, देख रहो। बताओ जी भाईजान, क्या हाल चाल है? रहन दो यार, हमें कहाँ बताना चाहोगे गरीबों को, छोड़ो। अच्छा ये तो बता दो, आए कहाँ से हो? रहन दो यार, कहाँ बताने दिल कर रही होगा हम गरीबों को, छोड़ो भाई। चुप मातरचोद, बोले चले यार, बोलने दे दिया तू मुझे, और तूने अभी तक ये तक का पूछा ना हमसे कहाँ जाना हमें, बस चले यार, चले यार। अबे हाँ यार, ये तो पूछा ही ना जाना कहाँ पे, मैं भी कितना बड़ा चूतिया निकला। यहाँ रोक देता हूँ साइड में खेतों पे, अभी यही बात कर लेंगे पूरी, है ना? आ जाओ जी भाईजान, बाहर को आ जाओ, बातचीत करे लें। अब बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? देखो जी भाई साहब, हम लोग हैं यहाँ पे टूरिस्ट, कंपनी की तरफ से हमें घूमने के लिए 10 दिन का पैकेज मिला था, लेकिन हमने उनसे पैकेज नहीं लिया, हम अपनी मर्जी से यहाँ घूमने आ गए। अब तुम हमें इतनी बेहतरीन बेहतरीन जगह घुमा दो यहाँ की, क्या मजा आ जाए। बहुत तेज नसीब है भाई झबरे तेरा, क्या खाया तेरी अम्मा ने जब तू पैदा हुआ तो? क्योंकि बेटे मैं भी नसीब वालों को मिलता हूँ, ऐसा नहीं मिलता हूँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा टैक्सी ड्राइवर मैं ही तो हूँ, हैं? और देखो बात और पजामा जितनी जल्दी खुल जाए इतना ही बढ़िया रहता, रोज का घुमाने का 10,000 रुपए लूंगा, टूल टैक्स पेट्रोल आपका। अबे ओ, तू वहाँ पे तो यूँ कह रही है जो हम देंगे वो तू रख लेगा, वो तो मेरे मुंह से निकल गई धोखे से। साले चूतिया समझ लिया हमें, इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं यहाँ कुल आके, वहाँ कुछ और कह रहा था, हम तेरी टैक्सी में जा ही ना रहे अब। हाँ तो मत जाओ, जाओ यहाँ से। तो यहाँ की छोड़ लिया, जहाँ से बिठा के लाया वहाँ छोड़ के आ? अच्छा चूतिया दिख रही हूँ, 45 किलोमीटर दूर है बेटे, इतने रुपए का तेल फिर भूखू भग। अबे बड़ा सुअर है साले, अभी 5 किलोमीटर तू पुराना चला होगा, 45 किलोमीटर कर दिया तूने। झूठ ना बोलूं तो 20 किलोमीटर तो है ही है। कितना भी दूर है ना, हम तेरी टैक्सी में नहीं आ रहे। चल बे, चल तू बैग निकाल, दूसरी टैक्सी करेंगे। अच्छा सुन, 8,000 रुपए दे दिए पेट्रोल टोल टैक्स तुम्हारा, अब सही है? अब भी महंगा। एक काम कर कुत्ते, तू पैदल ही जा, मैं तुझ पे तरस खा रिया यार, पैदल जाकर कम रेट कर लूं, पर तू पैदल ही जाएगा, अब तुझे मैं भी ना लेके जाऊंगा, भाग यहां से। हाँ तो जा रहे हैं। अब तो भाग यहां से बेंचोद, भिखारी साले आ जा टूरिस्ट। सुन, 5,000 रुपए दे दिए पेट्रोल मेरा, टूल टैक्स तेरा, अब तो खुश होगा, मजा आ गया अब तो। महंगा आती हाथी के भोसड़े, आया क्यों है फिर महंगा महंगा कर रही है हर बार, बहन के लड़ा भाड़ दूंगा बीच में से, आ जाओ टूरिस्ट बन के भिखारी हो सालो, भागे ऐसे पैदल जाओ। हाँ तो जा तो रहे, तू ही आ जा रही है बार बार। अब तू 1,00,000 रुपए देगा ना इस गाड़ी में बैठने के, तब तुझे ना बिठाऊंगा, पैदल जा, जय ऐसे चल जा। बैठ गाड़ी के अंदर बैठ, 5,000 रुपए टोल टैक्स पेट्रोल मेरा, चुपचाप बैठ। अब इनके भोसड़े सुअर भर दूंगा, 1 घंटे नाटक कर रही है, महंगा महंगा, अबे सब जगह घुमाऊंगा अभी, अब कमरा भी मैं ही दिलाऊंगा, सब काम मैं करूंगा, फिर भी बैठ बैठ रिया ना, बैठ रिया बैठ, वो कमरा भी दिलाएंगे सालों तुम्हें, वो घुमाएंगे भी बहन चोदो।
पहले ही दिन देखो कितनी शानदार जगह लेकर आया हूँ, और ऊपर से आज तो मौसम भी कुछ लंडैत हो रही है। अरे लंडैत ना होता, वो सुहाना हो बे। अच्छा, वैसे इस किले का नाम क्या है? इस किले का भूरी का किला। एक सेकंड, तुम मुझे एक सेकंड दो, यहीं रुक रही है गाड़ी, एक सेकंड। अरे गार्ड साहब, मैं कह रही हूँ ये किसका किला है यार? ये जितेंद्र साहब का किला है। अबे यार, हमने तो भूरी का किला बता दिया। अबे यार, ये अब सच बता देंगे। एक काम करता हूँ, ये जान से मार देता हूँ। अब हो गया ये भूरी का किला। यार क्या कर रहा हो यहाँ, चलते क्यों ना उधर को? मैं वहां ढूंढ लिया हूँ तुम्हें यार। तू ही तो क्या क्या गया, एक सेकंड रुको अभी आ रही हूँ मैं। मेरी इतनी बात माननी है तो चल गाड़ भी दे अभी फटाफट। साले पागल है क्या? ड्राइवर है, ड्राइवर की औकात मेरे। चल किला घुमा। आ तो आ। अबे ड्राइवर, चौकीदार तो मरा पड़ा। अबे नहीं भाई, सोरिया है ये, मरा हुआ थोड़ी है। अबे तू पुलिस को बुला जल्दी। पुलिस को क्या बोला, अगला आदमी सोरिया उसकी नींद खराब कर रहा हो, तुम पुलिस बुला भाव ले हो कौन? अबे तो साले इसके सिर में खून भी तो निकल गया, वो देखिए जरा। खून नहीं है ये यहाँ के लोग बहुत हरामी है ना, पान खा के थूक गए होंगे इसके ऊपर, खून थोड़ी है। आओ तुम किला देखो यार, और बात है मत छोड़ो। अबे ड्राइवर यार, तू तो चुप चला जा रही है, इस किले के बारे में हमें कुछ बता तो सही। अच्छा ये जो किला है, अबे 500 का नोट। मेरी जान, ये तो काम बढ़िया हो गया। मेरी जिम में से 500 का नोट कहाँ चले गया यार, कब से ढूंढने फिर रही हूँ, यूं ही तो उदास हूँ। देखिए 500 का ये का नोट। हाँ 500 का। अबे तो मेरा ही तो है ये, यहाँ गुला। साले तू तो हमारे साथ है बहुत टाइम से, तेरा कहाँ से गिर गया? मैं कल आया ना, कल गिर गया होगा। कल से तो तू हमारे साथ है। यार दे दो मुझे ही, देखियो टोल टैक्स भी मेरा, ये पेट्रोल भी मेरा यार। अरे ले भैया, तू ही रख लिए 500 रुपए। अब तुम्हें और शानदार जगह घुमाऊंगा किले की। आओ, 200 साल पुराना किला है, फिर भी चमक दमक देखो कितनी शानदार है किले की। और ये जो थी भूरी हमारी, जिनका किला है, इस वाले एरिया में अपनी सहेलियों के साथ जबरदस्त डांस करती थी। आलू चाट वाला गाना सुना? आलू चाट? अबे आलू चाट गाना ना सुना? गांव की हर शादी में इस गाने की तो माचुदा है, अब भी ना समझे। आलू चाट? हाँ ये सुना, ये सुना। हाँ तो इसमें जो कोरियोग्राफी करी है वो पूरी भूरी जी ने करी है। यहाँ कोई है? झाटू, जब से हमें तू मिला है तब से हमारा चूतिये काटे जा रही है। ये 200 साल पुराना किला बता रही है तू अभी, और गाना अभी कहा हुआ? भूरी जी ने दिया। अगर दलीलें निकाल लिया ना तो खुद ढूंढ ले किला और खुद घूम ले पूरे एरिए में। जा रही हूँ मैं घर को। अबे सुन, ये झाड़ियाँ कैसे हिल रही हैं? यहाँ पे बहुत सारे बिस्कपड़े और सांप रहते हैं, नेवले भी हैं यहाँ, इन्हें भगाता हूँ, रुक जाओ अभी। ये क्या है भाई? ये कोई नई बात नहीं है। तुम दिल्ली के किले पे चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, तुम आगरा चले जाओ, आशिक अपनी माचुत बातों में मिल ही जाएगा। ये तो ये दीवारों की ऐसी तैसी मार रखी है इन्होंने यार। आओ दूसरी साइड दिखाऊं तुम्हें। ये वाला एरिया वो है जब जब राजा साहब का दुश्मनों से झगड़ा होता था तो गोलियां यहीं से चलती थी। अबे क्या ड्रामा आई, कुछ ना कह सकते यार इनसे। आओ दूसरी जगह दिखाऊं। बहुत गंदा राग कर रखा है यहाँ का यार। अब तुम्हें इस पूरे किले की सबसे खूबसूरत, तुम एक मिनट यहीं रुको, बाद में दिखाऊंगा तुम्हें जगह, पहले इस मादर चोस से निपट के। कहाँ है वे आसिक, तू बाहर निकल जा रहा? तू रुक जरा भी, पहले इसे ही देखता था। साले दिख मत जाइए, फाड़ दूंगा। एक तो वैसे ट्यूशन के बहाने से आई हूँ।
साले फाड़ दूंगा। आओ चलना है कहीं और घुमा के लाऊं तुम्हें। अरे वो वाली जगह तो दिखा दे जो तू कह रही है कि बहुत खूबसूरत है। खत्म हो गई यार जगह, दिखा तो दी सबके सब जगह, वैसे ही मैंने उस पर मार फेर दी, वो पुलिस वुलिस बुला लेगा। आओ फटाफट। ओए इतना जाम क्यों लगा रखा, गाड़ी हटा फटाफट। आगे झगड़ा हो रही है। अबे तो मैं क्या करूं, साले सबको मारूंगा अभी, गांड मार लूंगा एक एक की, जाके बता मुन्ना भाई आए टैक्सी वाले, फट जाएगी सबकी। ऐसा है दोनों दोनों पार्टी के हाथ में तलवारें बंदूकें हैं। भाई साहब ऊपर वाले का नाम पे कुछ दे दो। अबे ओ पागल हो गया क्या, अबे साले बच्चा था 10-5 रुपए दे देता, तूने पूरी 100-100 के नोटों की गड्डी दे दी उसे। अरे यार भाई साहब गरीब की मदद करने से हम कोई भिखारी ना बन जाएंगे, कोई दिक्कत ना, इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरे पापा कहते हैं जितनी गरीब की मदद करेगा ना इतना तेरे साथ अच्छा होगा, आप भी किया करो। चल जाम खुल गया है कुछ। मुझे लग ही रहा था तू पैसे देख कर घबरा जाएगा, तेरे ही बेटे रख ले जा सब। भोसड़ी के रैप्टा मारा है, ठीक हो जाएगा, चुरन वाले नोट है पकड़ ही ले। देख रहा यार आजकल के बच्चों की बहन के लोड़े कितने चलाक हो गए, कितनी जल्दी पहचान लिए नकली नोट। अरे भाड़ू नकली नोट देके कितनी लंबी फेंक रिया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए ये है और वो है। अबे फेंकने की बात ना, मैं सोच गया बच्चा ही तो है ये पहचाने का थोड़ी, जाओ बेटे पैसे नहीं है और यही थे नकली वाले, चलो जाओ। पैसे तो देगा बेटे वरना तेरा यहीं खोपड़ा फाड़ दूंगा। दे रही हूँ, चल उल्टा सीधा क्यों बोल लिया साले, दे रही हूँ पीछे को तो हो ले थोड़ा सा। क्या हुआ ये, गाड़ी बंद हो गई और क्या हुआ? कैसे मैं मुझे क्या पता, चूतिया आदमी, मैं भी तो गाड़ी में ही बैठा हूँ, देखना पड़ेगा क्या हुआ है। ओ शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। अबे भैया बहुत गर्मी हो रही है, तू इसे ठीक करा के ले आइए, हम इतने किसी से हेल्प लेके होटल की तरफ जा रहे हैं। हाँ ठीक है जाओ। यार यहाँ तो दूर दूर तक गाड़ी ना दिख रही, किससे यहाँ में? अरे वो आ तो रही है गाड़ी। अरे भाई साहब रोक लियो यार, रोक लियो, हेल्प चाहिए यार। हाँ बता। अरे यार भाई साहब हमारी गाड़ी खराब हो गई यार, थोड़ी आगे तक जाना, छोड़ दोगे क्या यार, हमारी मदद कर दो। आ बैठो फिर। अरे हो गया काम, आ जा। क्या ड्रामा कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जब तुम्हारी गाड़ी सही है अच्छी खासी तो उन्हें भाई साहब को क्यों परेशान कर रहे हो? अबे तू तो यूं कह रही है गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट ही ना हो रही। खाली मूली में स्टार्ट ना हो रही, कौन कह रही है खराब हो गई, नाटक बना रहा हो, देखियो स्टार्ट है। साले चूतिए समझ गया है, हाँ बाला चोद भागे से। क्यों बे कुत्ते, जब गाड़ी ठीक थी तो ये नाटक करने की जरूरत थी? इतनी गर्मी में मैं सड़वा रही यहाँ पे और ऊपर से उससे पिटवा दिया तूने, बेइज्जती करवा रही हमारी। उस्ताद चेतने का काम नहीं है, देखो चुम्मा भी दे दिया तुम्हें मैंने, बोर होता हुआ आ रहा है चुप चुप एकदम, ये तो थोड़ी सी हंसी मजाक करी है, अब हंसी मजाक भी ना करें, इतनी गर्मी में तो ये मजाक सूझ रही है। बैठ बैठ गाड़ी में, चल स्टार्ट करके लेके चल। We'll be right back.
तेरी समझ में ना आ रही, ज्यादा मजाक ना हो रही है अब। यार इस बार मजाक नहीं कर रही, ईमानदारी से हो ही ना रही यार आपके स्टार्ट कसम से। पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टैक्सी में बिठवा के होटल पहुंचवा रही हूँ, सही है? मैं सही करवा के ले आऊँ भाई सब। अगर तुझे तेरी माँ ने स्कूल में ना पढ़ाया होता, मोहल्ले में घुमाया होता, छपरी बनाया होता, तो तुझे हमारी पोजीशन देख के पता चल जाता हम गुंडे हैं। इस मादर चोद ने फंसवा दिया। तू कौन है रे कुत्ते, जिसने मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत की? अगर तू ये जान लेता मैं कौन हूँ तो मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश न करता। मैं हूँ इस एरिया का कमिश्नर, शादी वर्दी में आया हूँ जायजा लेने अपने एरिया का। चुपचाप यहाँ से चला जा वरना इनकाउंटर कर दूँ। कमिश्नर डीके भत्रा? हाँ वही हूँ मैं। जिसने अभी एक बदमाश का एनकाउंटर किया है? हाँ अब पहचाना तूने, देखा कितना खतरनाक हूँ मैं। तुझे पता है वो कौन था? कौन था? होगा कोई, मैं करता रहता हूँ ऐसे इनकाउंटर। मेरा भाई। सरकार मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कमिश्नर रहा हूँ, ये तो अपने बचाओ में कह दिया, मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ। हाँ हाँ भाई सही कह रही है, पकड़ना भी इसे पकड़ो, हम तो टूरिस्ट हैं घूमने आए थे क्यों यहाँ पे हम। भाई ये साले अपने साथ गेम खेल रहे हैं, इन्होंने अपने भाई को मारा है, इन्हें अड्डे पे लेकर चलो और इन्हें वहाँ खतरनाक मौत देंगे। डाल सबको गाड़ी में। अरे तुम टेंशन मत लो यार, कोई दिक्कत की बात ना है, मैंने फंसाया ना मैं ही निकालूंगा। ये जो डाकू है ना, ये गलत फहमी है, हम पुलिस वाले हैं, इस चक्कर में तो हमें यहाँ को लिया है। अभी बात क्लियर कर दूंगा इनसे जाके कि भैया पुलिस वाले ना है, पता निकाल लो, ये हमें छोड़ देंगे, तुम अपने घर जाइए, मैं अपने टैक्सी संभालूंगा, काहे की टेंशन लेनी है। और सुनो, डाकू भले आदमी है, मैंने जज कर लिया इन्हें। कैसे कैसे? एक भी डाकू ने अभी तक मारा ना, वरना डाकू तोड़े हैं कुछ देर। ये बात सही कह रही है। सालो तुमने मेरे भाई का एनकाउंटर करा था ना, बंद रखो सालों को। ये तो अच्छा बेटे, अब भी बच गए हम, वरना डाकू बेल्टों से पे रहे हैं, बेल्टों से, इन्होंने तो लातों घूंसे से ही मारा, बचे पड़े हैं अब भी। हाँ ये भी सही कह रहा हो वैसे तो। मत दो इन कुत्तों को खाने को, सड़ने दो ऐसे ही। चुप भोसड़ी के, जवान से एक शब्द मत निकाल दिए, जो तू बोल लिया ना वो सच हो रिया काली जवान के। हाँ सही कह रही है ये, तू अपनी जवान मत निकाले बिल्कुल भी साला कुत्ता। अरे अब क्या ऐसा कुछ ना कह रही है यार, बहन के लड़ो, मैं भी तो पिट रही हूँ तुम्हारे साथ साथ, बार बार थोड़ी पिटता रहूंगा, दुख रिया पूरा बदन। पर मैं कह रही हूँ इस पिटने में भी फायदा हो गया अपना, अकेला मार रिया, वरना मैंने सुना गुंडों की पूरी गैंग मारे। यार एक बात कहूँ,
यार देखिए मुझसे रुका ना जा रही है यार, कह दूं देखिए मेरे पीछे 30,000 रुपए पड़े होंगे ना है। भोसड़े की ये वाली बात सच ना हुई, पिटने की हो रही है हर बार। वैसे एक बात, चल बे उन तीनों को बाहर तो निकाल के ला जरा। हाँ बताओ। चलो बे वो रखें कपड़े, उन्हें पहनो और नाच गाना करो, मेरा मनोरंजन करो। ए यार अब यही काम रह गया नाच गाना, हमसे थोड़ी आवे नाच गाना, मेरे उसकी बात ना है। डीजे पे नाचेगी तू ठुमक ठुमक के नाचेगी, जो तू ना नाचेगी तो गोलीबारी चल जावेगी। डीजे पे नाचेगी तू ठुमक ठुमक के नाचेगी, जो तू ना नाचेगी तो गोलीबारी चल जावेगी। दारू मेरी ठंडी हो रही ना मिलेगा ब्रेक, धन्नो नाचरी नाच धन्नो, 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 नाचरी नाच धन्नो। कितना नाचूं और मैं बड़ूए यहाँ लाके तूने फांस दिया। मैंने नहीं फांसा मेरी जान, किस्मत ने ऐसा काम किया। किस्मत का तो तू नाम न ले, तूने ही ट्रिप बदनाम किया। ट्रिप पेन की लोड़ी, क्या ट्रिप था बदनाम किया। क्या मैंने कहा था मेरे पास, क्या मैंने कहा था बैठ मेरे साथ, क्या मैंने कहा था लिफ्ट तुम्हारा, क्या मैंने कहा था पुलिस बता। हाँ हाँ सुअर सब तूने ही कहा था। ओए नो बकचोदी ओनली डे। नाचरी नाच धन्नो, 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 नाचरी नाच धन्नो। मर्द से औरत बना दिया इस बंदूक की नोक पर, नाच ले चोरी चल जावेगी गोली इस चौक पर। मर्द से औरत बना दिया इस बंदूक की नोक पर, नाच ले चोरी चल जावेगी गोली इस चौक पर। सिस्टम तेरा देख के चोरी में रह गया दंग। नाचरी 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 नाच धन्नो, 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 नाचरी नाच धन्नो। जा भाई जा बाहर देख का कोई है तो नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन। अभी यार मैं सोने के मूड में हूँ, अभी मेरा बात करने का मन नहीं है, तू शाम को आ फिर करते हैं बात। तेरी तो बताओ जी भाईजन क्या बात है। मैं जानता हूँ तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम्हें नाजायज फंसाया गया है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। काली सूढ़ी हमारी मदद करेगा, पहले अपनी तो मदद कर ले। तू तो खुद चमचा सरदार वो है मोटा वाला, तू साले चमचा चमचा ही बनकर रह ले। रोटियों तक तो तुम्हें हाथ ना आ रही, कई दिन से देख रही हूँ मैं। बसड़ी का जाए यहाँ से, कभी मदद करेंगे भाड़ो। अबे पूछ तो ले, क्या पता मदद करी दे। वैसे तू हमारी मदद क्यों करना चाहता। मैं गुंडा नहीं था, मैं मजबूरी में गुंडा बना हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान था, मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराना चाहता हूँ। चाहे इस नेक काम में मेरी जान क्यों चली जावे, तुम्हें यहाँ से आजाद करवा के ही रहूंगा। देख रही यार कितने बड़े आदमी है, और मैंने काली किनार भी कह दिया इन्हें, और ये हमारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार है यार। कितने मादर चोद है यार, अब मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे। यार कितने बड़े आदमी हो तुम भाई साहब, यार मुझे अफसोस है यार, मैंने तुम्हें काली किनार कहा कसम से, माफी चाहूंगा यार भाई साहब, पर तुम हमें यहाँ से निकालोगे कैसे। मैंने पीछे गेट खोल दिया है,
मैं साइड में आकर बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा। मेरी पूरी गैंग बॉम्ब ब्लास्ट की तरफ को भागेगी। आप पीछे गेट से निकल जाना। ठीक है भाई सब, ठीक है। आज तुम्हें देख के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। बहुत बड़े आदमी हो। हाँ चल ठीक है, ज्यादा उदास मत हो। बॉम्ब फटने की आवाज आए यहाँ से निकल जाना। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने एक फरिश्ता भेजा हमारी जान बचाने के लिए। चल बे चल, आज कपड़े तू धोगा। अबे चल बे, ये मेरे काम ना है कपड़े सपड़ों के, अपने आप धो कपड़े। तेरे काम ना है? हाँ तेरी अम्मा धोती होंगी ना कपड़े, जब बुला के ला वो धोंगी कपड़े। अबे ओ होश में बात कर ले, जा कपड़े धो ले कपड़े। ऐसा है ओदे में तुझसे मैं बड़ा हूँ, मैं दूंगा तुझे ऑर्डर, धो चल चुपचाप कपड़े। अबे ओ ओदे में तू बड़ा होगा, लंबाई में तुझसे मैं बड़ा हूँ। साले मुजोरी कर रहा, तेरे चूतर फाड़ के खरबूजे की खाप बना दूंगा। साले मैं भी तेरे चूतर फाड़ के तरबूज की खाप बना दूंगा। चुप हो सालो, क्या लगा रखा खरबूजे की खाप बना दूंगा, तरबूज की खाप बना दूंगा। सालो तुम्हारे चूतड़ है फल फ्रूट की दुकान। लाओ मैं दूंगा कपड़े।